तो वही मारुति सुजुकी की इग्निस BS6 अब आ रही है टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलेंगे खास फीचर्स, तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मारुति सुजुकी वैसे तो कई कारों को लॉन्च कर चुकी है जिन्होंने कम समय में ही ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। मारुति सुजुकी इग्निस ऐसी ही कार है जो कि वर्ष 2017 में अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन अब कंपनी इसके फेसलिफ्ट यानी BS6 के साथ आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी अब दे रही है। इससे कार को दोस्तों ज़्यादा पावर तो मिल ही रही है और साथ ही साथ नए फीचर्स को भी इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों नई इग्निस BS6 टर्बोचार्ज वेरिएंट के इंजन की बात करें तो पावर की बात करी जाए तो अपडेट इग्निस BS6 के कॉम्प्लेक्ट में आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि वैसे स्विफ्ट में और बलेनो में भी आपको देखने को मिलता है। स्विफ्ट में ये इंजन आपको 83 हॉर्स पावर की ताकत और 113 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देता है। इसके साथ ही 5-स्पीड मैनुअली या AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि BS6 इंजन का माइलेज BS4 से काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। और दोस्तों लीक हुई तस्वीरों में हम सभी को साफ पता चल रहा है कि इग्निस नई फेसलिफ्ट वाली यानी BS6 टर्बोचार्ज पेट्रोल वाली इग्निस में आपको मारुति एस्प्रेसो जैसी ही नई ग्रिल देखने को आगे की साइड मिलती है। कार में आपको नया फ्रंट व रियर में आपको बम्पर देखने को मिलता है। दोनों बम्पर के साथ आपको फर्स्ट क्लास प्लैटिनम लुक वाली ग्रिल भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त साइड लुक समेत अन्य इग्निस की बाकी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा हद तक मौजूदा मॉडल की तरह ही रखी। फीचर्स की बात करें तो दोस्तों अब इस कार के अंदर आपको बड़ा यानी 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को अब मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार कनेक्टिविटी के साथ आता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर और डुअल एयर फ्रंट एयरबैग्स और साथ ही साथ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन सुविधा जैसे अन्य फीचर्स भी इस कार में अब मौजूद कर दिए गए हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब नई इग्निस BS6 को अपडेट करके नए टर्बोचार्ज वेरिएंट के साथ हम सभी के लिए भारतीय बाजार में लॉन्च करने का पूरा प्लान कर लिया है। अब देखना है कि दोस्तों मार्केट में कब तक लॉन्च हम सभी के लिए हो जाती है और इसकी कीमत दोस्तों मात्र 4.30 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होती है। अगर इसके टॉप वेरियंट की बात करें दोस्तों वो करीबन 5.40 लाख रुपीज़ तक जाने वाला है। तो अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।